बच्चों, अब तक आप कई प्रकार के अम्लों से परिचित हो चुके हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 आदि। जानते हैं ये अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। तो क्या यदि जलीय विलयन ना हो तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करेंगे, यानी कि अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे? आइए आज हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इस क्रियाकलाप के लिए हमें कुछ विलयनों की आवश्यकता होगी, जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें चाहिए होगा नीला लिटमस पेपर। आइए ये क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए मैंने जो सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया है, इसमें मैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे परख नली के सहारे डालती हूँ। जब मैं इस सोडियम क्लोराइड में H2SO4 डालूंगी तो यहाँ पर HCl गैस निकलेगी, और ये HCl गैस नीले लिटमस, चूंकि अम्लीय होती है इसलिए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगी। अरे, ये नीला लिटमस पेपर तो लाल रंग में परिवर्तित ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि HCl गैस चूंकि शुष्क है और इसलिए ये अपने हाइड्रोजन आयन रिमूव नहीं कर रही है, और इसलिए ये नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित नहीं हो रहा है। चलिए इसी क्रियाकलाप को हम पुनः दोहराते हैं। मैं सोडियम क्लोराइड के विलयन में H2SO4 डालती हूँ, और इसके सामने अब गीला लिटमस पेपर रखती हूँ। अब देख रहे हैं कि ये नीला लिटमस पेपर जो नीले रंग का था लाल रंग में परिवर्तित हो गया है। तो बच्चों, देखा आपने, जब हमने निकास नली के सामने सूखा लिटमस पेपर रखा तो कोई रंग परिवर्तित नहीं हुआ, और लेकिन जब हमने इससे गीला लिटमस पेपर निकास नली के सामने रखा तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए बच्चों क्योंकि अम्ल अब जलीय विलयन के संपर्क में आने पर ही अपने हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और अम्लीय स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन के संपर्क में आने पर ही अपने हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। इन्हें हम क्षार कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अब ये प्रयोग आप अपनी प्रयोगशाला में भी जरूर दोहराइएगा।